संजय जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2008 में हमने सचखंड सेवा सोसाइटी की नींव पत्थर रखा, और सबसे पहले जो हमने सेवा शुरू की वो ये देखा कि हमने रात को जब सर्दियों में रोड के ऊपर बेसहारा लोग बिना कंबल रजाई के सोते थे, तो मैं अपनी स्कूटी उठा के अकेला अपने बेटे को साथ में लेके हम अलग अलग लोकेशन पे जाके लोगों को कंबल देना शुरू किया। कम से कम 3-4 साल यही मामला चलता रहा। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन नंबर वायरल करना शुरू कर दिया कि आप दिल्ली में कहीं भी लोकेशन पे ऐसा लोग देखे तो आप हमें कॉल करें, हम उस लोकेशन पे पहुंच के उस बंदे को कंबल देंगे। हमने ये सेवा शुरू की और जैसे जैसे मानवता की सेवा में हम उतरते गए, कुछ विडोज़ को हर महीने राशन देना जैसे शुरू कर दिया, मेडिसिन सहूलतें, बच्चों की स्कूल की फीस, ये हमारी सोसाइटी ने शुरू की। ये चीज़ें करते करते फिर आपको ध्यान होगा कि रोपड़ में बाढ़ आई थी। रोपड़ में जब बाढ़ आई तो हमने एक सोशल मीडिया पे मैसेज वायरल किया कि ऐसे ऐसे पंजाब में बाढ़ आई है, आप लोग हमारी मदद करें, हम वहाँ तक मदद पहुँचाएँगे। तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर हमारा सहयोग दिया। हमने वो रोपड़ में सारी सहायता राशि पहुँचाई। 2019 में जब रुद्रपुर में डेंगू का प्रकोप फैला तो डेंगू फैलने के बाद वहाँ के मेयर साहब ने हमें फ़ोन किया, हमारी सोसाइटी को, और हमारी टीम वहाँ पे जाके बकायदा डेंगू की रोकथाम के लिए फॉगिंग की सेवा करके। कोरोना लॉकडाउन टाइम हमारी सोसाइटी जो सचखंड सेवा सोसाइटी है ये सुर्खियों में आई, क्योंकि हमने पहले दिन से ही सैनिटाइजेशन की सेवा शुरू की, झुग्गी झोंपड़ी से लेके राष्ट्रपति भवन और यहाँ तक कि तिहाड़ जेल में हमने 8 बार जाके सैनिटाइजेशन की। लोग सरकारें जहाँ पर नहीं पहुँच पाई वहाँ पे हमारी टीम ने जाके वर्क किया, और इस लॉकडाउन में हमारी टीम ने खास तौर से होम्योपैथिक मेडिसिन और ऑक्सीजन सिलेंडर और घर घर में राशन पहुँचाने की जो सेवा ये शुरू की है। सो मैं बहुत अपनी पूरी टीम का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ जो टीम मेरे साथ लगी है। तकरीबन 35 लड़कों का ग्रुप है जो मेरे साथ दिन रात सेवा में लगा है। बस उस मालिक से, परमात्मा से यही दुआ मांगते हैं कि हमारी पूरी टीम पर और हमारे अलावा भी जो टीमें सेवा कर रही हैं उनके ऊपर वह परमात्मा अपना मेहर भरा हाथ रखें, ताकि जितनी भी टीमें इस सेवा के माहौल में, मानवता की सेवा में उतरी हैं, ये सबके इसी तरीके मानवता की सेवा करते रहें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी सचखंड सेवा सोसाइटी के साथ जुड़ें, वॉलेंटियर्स बने, ताकि हम और बढ़ चढ़कर मानवता की सेवा करें। धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल जी सारयां नूं, मैं तुहाडा वीर हरमीत सिंह पिंका, मुख सेवादार सचखंड सेवा सोसाइटी। बहुत अच्छा लगता है जदों संगत का प्यार मिलता है, संगत असीसा देती है, बहुत अच्छा लगता है। नहीं, शुरू तो ही इस तरफ झुकाव से कि समाज की सेवा वाल अपना मन लगाना है, उधर ही ध्यान लगाना है। बचपन तो ही इस तरीके नाल सेवावां चलदियां आ रही हैं। नहीं, इस तरह की गल नहीं है कि सोसाइटी साड़ी लॉकडाउन टाइम दे विच आई है। तकरीबन पिछले 12 सालों तो सचखंड सेवा सोसाइटी सोशल वर्क कर रही है। होंद विच लॉकडाउन टाइम दे विच ही चर्चित हुई है सचखंड सेवा सोसाइटी। पिछे जो रोपड़ दे विच भी बाढ़ आई सी उदों भी सचखंड सोसाइटी की टीम पूरी रोपड़ बाढ़ पीड़ितों वास्ते राहत समगरी लैके पहुँची, अपना फर्ज निभाया। 2019 विच सितंबर दे महीने रुद्रपुर तो फोन आया, उत्थे डेंगू की महामारी फैली सी जिदे विच सचखंड सेवा सोसाइटी की टीम ने जाके उत्थे फॉगिंग की सेवा की। लॉकडाउन टाइम दे विच जो सेवावां कीतियां गईयां सैनिटाइज दियां, उस मौके दौरान साड़ी सोसाइटी का नाम चर्चा विच आया। हरमीत सिंह पिंका, बचपन तो ही मेरे माता पिता ने मेरा नाम
प्यार नाल पिंका कहिंदे सी ते उह पिंका ही चढ़ गया नाम लोकां दे मनां दे विच वी। अज दी डेट ते वी लोग मैनू हरमीत सिंह दे नाम तो घट ते पिंके दे नाम तो ज़्यादा जानदे ने। कई बार ते मेरे सामने ही कोई पेरेंट्स आंदे ने अपना काम कराउण ते उहनां दे सामने ही उहनां दे बच्चे पुछ लैंदे ने अंकल इत्थे पिंका कौन है, ते उह जदों मैं कहना कि वी मैं ही हाँ जी पिंका, तो बड़ी शर्मिंदगी जी महसूस करते हैं पेरेंट्स भी और हादसा भी आता है। अज मेरी एज 46 ईयर ओल्ड हो गया, अज भी लोग पिंके के नाम तो ज़्यादा जानते हैं और रेंदे टाइम तक पिंका नाम ही चलेगा। नहीं मैं बुरा नहीं लगता, मैं बल्कि अच्छा लगता क्योंकि प्यार नाल अपना दोस्त समझ के अपना बच्चा समझ के सारे नाम लेंदे ने अच्छा लगता। करोना की महामारी करोना का टाइम इस तरह का सी लॉकडाउन का, असी वेख्या कि लोग अपनिया छतों तो थले नहीं उतरे जब तक लॉकडाउन का टाइम चलिया, अपने घर तो बाहर नहीं निकले। साड़ी टीम ने सतखंड सेवा सोसायटी टीम मेरे नाल जो मेरे बच्चे चलते रहे जिन्हों मैं प्यार नाल कहना है मेरे अनमोल हीरे ने, वो बच्चों के नाल चलन करके अज सचखंड सेवा सोसायटी का नाम देश से तो है ही है, विदेशों में भी बहुत नाम है। संगत दियां असीसा दे नाल मैं कहां कि अगर मैं सेवा कीती है और गलत होएगा। धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की अपार कृपा सदके खाली साड़ी सोसायटी नहीं जिन्हिया भी जथेबंदियां ने सेवा कीतियां ने वो सारी उस अकाल पुरख की रजा विच रह के कीतियां ने। तुसी समझ सकते हो करोना वर्गी महामारी जिहदे विच लोग छतां तों थले नहीं उतरे घरां चों बाहर नहीं निकले लेकिन साडे वर्गे लोग सेवावां वास्ते बाहर निकले ने, उह साडे च समर्था नहीं है, उस अकाल पुरख की रजा सी उन्होंने साडे उपर साडी टीम दे उपर अपना हथ रख्या जिहदे करके जिसदा नतीजा है वे कि संगत का प्यार मिलिया और संगत दीआं असीसां सानूं मिलियां, जिहदा नतीजा यह मिलिया कि साड़ी टीम दे किसी मेंबर नूं जां सानूं कोई गुरु साहब की कृपा नाल इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई जिहदे नाल सानूं घर बह के रैसट करना पे। बंदा कुछ नहीं कर सकता, उस अकाल पुरख की रजा दे नाल जो कुछ हुंदा हुंदा बहुत अच्छा लगता है। जदों तुसीं सेवा करो उस सेवा की चर्चा होवे अच्छा लगता है, जदों कोई तुसीं सेवा करन जाओ किसी दे इलाके दे विच वो बड़े अच्छे तरीके नाल तुहाडा वेलकम करन हौसला वधदा है। कई लोग इहनूं दिखावा समझदे ने लेकिन मैं समझदा दिखावा नहीं है। इस तरह की वीडियोज़ बना के वायरल करन दा फायदा यह हुंदा कि तुहानूं वेख के होर लोग इंस्पायर हुंदे ने, वो देखदे ने कि यह वीडियो सेवा कर रहे ते असीं वी इहनां नूं देख के करिए। मैनूं अच्छी तरह ध्यान है कि लॉकडाउन टाइम सब तो पहले जी वेलकम का प्रोग्राम किया रजौरी गार्डन की संगत ने किया बहुत अच्छे तरीके ना। नहीं कई सोसायटियां दे असी गए हाँ लेकिन सब तो ज़्यादा वेलकम जड़ा रजौरी गार्डन संगत और हाँ करोल बाग झुग्गी चौंपड़ी के झुग्गी चौंपड़ी वाले मैं तुहानूं बयान नहीं कर सकता कि उन्हां दीआं अखां देखण वालियां सी चेहरे देखण वाले सी जदों असी झुग्गी चौंपड़ी के इलाके दे विच सैनेटाइज करन पहुँचे। बहुत अच्छा लगता है जो लोग तुहाडी सेवा की सराहना करते हैं, तुहाडा वेलकम अच्छे तरीके नाल करते हैं। बस एको ही सोच लैके चलिए जी कि इंसानियत की सेवा करनी है। नहीं सचखंड सेवा सोसायटी एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है जिहदा राजनीतिक कोई संबंध नहीं है। मैं कहना चाहवांगा तुहानू कि तुसी वध तो वध ए वीडियो नू भी शेयर करवाओ ताकि वध तो वध लोग साडी सोसायटी दे नाल जुड़न, असी सारे मिल के सेवा करिए, किसी एक बंदे दे विच हंकार ना आवे। नहीं इस तरह की कोई गल नहीं है, डर मेरे घरदिआं नू भी बहुत लग्गिआ लॉकडाउन टाइम, मेरे माता पिता मेरे तो एक घर छड्ड के रहिंदे ने, मेरे माता पिता नू मेरे सुभाव का पता है कि सेवा दे मामले च किसी दी नहीं सुनदा,
लॉकडाउन टाइम दे विच मेरे माता पिता ने मेरे वाइफ नू मेरे बच्चियां नू बहुत आके घर वार वार कहा कि पिंके नू रोको ऐ बाहर सेवा ते ना जाया करे, माहौल बहुत खराब है, घर बच्चे छोटे ने। मेरा एक पोता भी है 1 साल का, लेकिन इहदे विच मेरी वाइफ और मेरे बच्चियां ने मैनू पूरी सपोर्ट की है। उन्होंने मेरे नाल जिक्र नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरी वाइफ नू मेरे बच्चों नू पता है कि पापा इस काम वास्ते रुकनगे नहीं, जानगे जानगे नहीं। इस तरह की गल नहीं है कि असी घरदियां दा कहना नहीं मनते, मनते हैं घरदियां दा कहना, लेकिन मैं समझदा कि धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का महाराज ने जो इंजैक्शन अपनी गुड़ती का सिख कौम दे विच लगाया है, वो हर सिख का जज्बा जड़ा वो इस तरह ही है कि वो हर सिख जड़ा सेवा दे मामले से कभी भी घर नहीं बैठेगा। होना भी चाहिए क्योंकि सानू विरासत विच सेवा मिली है ते असी सेवा करांगे। बहुत अच्छा लगता है जदों तुसी अपने परिवार दे नाल अपनी फैमिली दे नाल किसी मॉल ते जाओ, किसी शॉपिंग कंपलैक्स दे विच जाओ, ते जदों तुहानू उत्थे कोई मिले और तुहानू मिल के बड़े प्यार नाल तुहाडे नाल गल करे कि जी तुसी हरमीत सिंह पिंका जी हो, मैं कहना हाँ जी, ते ओ अगो कहना जी वीर जी बहुत अच्छे काम कर रही है तुहाडी सोसाइटी, वीर जी तुहाडे नाल एक फोटो खिचा लीए। हकीकत है कि उदों ये महसूस होंदा कि तुसी सिर्फ अपने घर वास्ते सीमित नहीं हो, अज तुहाडी जरूरत समाज नू है। असल च जिहड़ा मैं प्लेटफॉर्म लभदा सी, जिहड़ी चीज़ मैं लभदा सी, एक किस तरह का प्लेटफॉर्म लभदा सी कि मैं एक आवाज़ करां ते दुनिया मेरे नाल खड़ी हो जाए। अज मैनू सचखंड सेवा सोसाइटी का वो प्लेटफॉर्म मिल चुका। मैं सोशल मीडिया से एक मैसेज वायरल कराँ, हज़ारा मैसेज वो अगे फॉरवर्ड हो जाता है, हज़ारों दुनिया वेखदी है। इस संगत का प्यार है नहीं, मेरी टीम जिहड़ी है वो टीम बहुत वाकई अनमोल हीरे ने। मेरी टीम का हर बच्चा, हर नौजवान बच्चा जो मेरे नाल जुड़िया, मेरे नाल कंधे नाल कंधा मिला के चलता है। उन्होंने कभी टाइम नहीं देखा कि भी भाजी का राती 11 बजे फोन आ गया, 12 बजे फोन आ गया, जदों भी फोन करा वो बच्चे उसी वक्त मेरे नाल कंधे नाल कंधा मिला के खड़े होते हैं। यही कमाई है जदों समाज में रह के। पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन असली कमाई है वे कि तुम्हारी एक आवाज़ के उत्ते इकट्ठ हो जाए। यह प्यार है, यह संगत का प्यार है, वो संगत का प्यार है जिहड़ी संगत ने लॉकडाउन टाइम दे विच देखिया कि लोग अपने घरां चों नहीं निकलते। साड़ी टीम दे यंग मुंडे 24-24 25-25 साल दे मुंडे अपना सीस तली ते लैके वो घरां दे विच जा के ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, और असी इस सोसाइटी नू एक वड्डी लेवल ते लैके जाइए। और इस तरह की लेवल ते लैके जाइए, सब तो पहली गल जिहड़े भी वीर जुड़न, जिहड़ियां भैणां जुड़न, यह सोच के साडे इस सोसाइटी दे नाल जुड़न कि यह इस तरह का प्लेटफॉर्म है, इहदे च राजनीति बिल्कुल नहीं होएगी। घरों निकलन यह सोच के निकलन कि असी इंसानियत की सेवा करन जाना है। जदों असी यह सोच लैके घरों निकलांगे तो गुरु साहब जरूर चढ़ दियां कला बख्शणगे। गुरबाणी का श्लोक है, सच्चे मार्ग चलदे आ उस्तत करे जहान। हकीकत है कि अज मेरे नाल वो चीज़ साबित हो रही है। बिल्कुल राइडिंग दे उत्ते असी जा रहे हैं, आने वाली 17 तरीक नू असी राइडिंग ते जा रहे हैं दिल्ली तो पौंटा साहब तक। पिछले महीने भी गए सी। नहीं, यह तुसी तुहाडी सोच है कि असी राइडिंग ते घूमन वास्ते जा रहे हैं। राइडिंग का तो एक बहाना है, असलीयत च हर बच्चे नू उस गुरु गोबिंद सिंह जी की धरती के नाल पौंटे की धरती वसाने विच गुरु गोबिंद सिंह जी का हाथ है।
ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਏ। ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੋਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੋਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸਰ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਖੁਦ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੋਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਭੰਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰੋ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।